नमस्कार दोस्तों ई e लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में वी और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ नमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको वी और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट्स साथ साथ समझाएंगे भी तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अ लोसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैज़ ऑफ हंड्रेड ओम यानी एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है जिसका एम्पिडेंस हंड्रेड ओम्स है ये बच्चों जो हंड्रेड ओम्स है इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का हंड्रेड ओम एम्पिडेंस यानी उसका करेक्टरस्टिक्स एम्पिडेंस आपको दे रखा है आगे बता रखा है इज़ हैविंग मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ थ्री वोल्ट यानी जो वो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर मैक्सिमम वोल्टेज थ्री वोल्ट है और मिनिमम वोल्टेज ऑफ वन वोल्ट तो जो मिनिमम वोल्टेज है वो आपकी वन वोल्ट है इट इज टर्मिनेटेड बाई अन नॉन लोड यानी जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर जो लोड कनेक्ट है उसका हमें नहीं पता इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालना है रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट निकालना है और अननोन लोड की वैल्यू आपको बतानी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे वी की तो वी एस डब्ल्यू आर का फार्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन लाइन डिवाइडेड बाय मिनिमम वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन लाइन एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट दिस इज वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट डिवाइडेड बाय वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट तो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट दे नहीं रखा है मैक्सिमम वोल्टेज दे रखी है बच्चों थ्री वोल्ट और मिनिमम वोल्टेज दे रखी है बच्चों वन वोल्ट तो इस इंफॉर्मेशन से हम वी एस डब्ल्यू आर निकाल सकते हैं दिस इज मैक्स थ्री मिनिमम वन यानी जो वी एस डब्ल्यू आर या इसको बच्चों एस भी बोल देते हैं तो ये वैल्यू है आपकी थ्री राइट right? तो ये आंसर आपका आ चुका है अब आपको निकालना है रिफ्लेक्शन कॉफिश रिफ्लेक्शन कोफ़िशियंट इन टर्म्स ऑफ वी एस डब्ल्यू आर कैसे निकालोगे ये देखिए यहाँ पे जो एस है बच्चों वो क्या है एस इज इक्वल टू वन प्लस वैल्यू ऑफ़ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट मैग्नीट्यूड वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशेंट जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है वो इन टर्म्स ऑफ वी एस डब्ल्यू आर आ जाएगा और उसकी वैल्यू होगी एस माइनस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है एस वैल्यू थ्री है दिस इज़ थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन थ्री माइनस वन बेटे टू हो गया थ्री प्लस वन दैट इज़ फोर तो टू टू ज फोर यानी जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट वैल्यू है मैग्नीट्यूड वैल्यू वो आ गई आपकी वन बाय टू तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड आंसर आ चुका है ओके अब आपको चाहिए अननोन लोड यानी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लोड टर्मिनल पे कितना इंपीडेंस कनेक्टेड है हमें पता है कि जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशेंट है उसका फार्मूला ये आपका रिफ्लेक्शन कोफ़िशियंट है इसका फार्मूला होता है बच्चों जेड एल माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड एल प्लस जेड तो अब रिफ्लेक्शन कोफिशियंट पॉइंट फाइव है वैल्यू पुट कर दीजिए जेड एल हमें पता नहीं जेड की वैल्यू हंड्रेड ओम दे रखी है तो ये भी जेड एल प्लस हंड्रेड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बनेगा पॉइंट फाइव इंटू जेड एल प्लस हंड्रेड इंटू पॉइंट फाइव दैट इज़ फिफ्टी नोमिनेटर आपका एज इट इज़ जेड एल माइनस हंड्रेड अब आप क्या करेंगे पॉइंट फाइव जेड एल कोई साइड ले जाइए और हंड्रेड को इस साइड ले आइए तो हंड्रेड प्लस फिफ्टी वन फिफ्टी आ गया जेड एल माइनस पॉइंट फाइव जेड एल ये हो जाएगा पॉइंट फाइव इंटू जेड एल और यहाँ से बच्चों जो जेड एल है वो वैल्यू आप निकाल सकते हो वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी दिस is 150 divided डिवाइडेड 0.5 right to राइट तो इस तरीके से वन फिफ्टी डिवाइड बाई पॉइंट फाइव तो ये वैल्यू आपको जेड एल की जो वैल्यू आपको मिली वो मिली थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड ये आपका तीसरा रिजल्ट आ चुका है तो जो प्रॉब्लम आपको दे रखी थी इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो लेकिन अब मैं उस टॉपिक्स की बात करूंगा कि कितने तरीके से और क्वेश्चन दिया जा सकता है रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का फार्मूला जेड एल माइनस जेड नोट डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नोट है लेकिन एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट क्या होता है रिफ्लेक्शन कोफिशियंट होता है बच्चों द वोल्टेज दैट इज़ रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स देंड वी नेगेटिव डिवाइडेड बाई द इंसीडेंट वोल्टेज दैट इज मूविंग टू द लोड ठीक है देखो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पे बच्चे आपका जनरेटर लगा होता है जहाँ से सिग्नल निकलते हैं और यहाँ आपका लोड कनेक्ट होता है तो अगर लोड से वोल्टेज जनरेटर एंड की तरफ चली गई उसे V नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर जनरेटर से लोड की तरफ कोई वोल्टेज आएगी उसे V पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया जाता है तो रिफ्लेक्शन कोफ़िशियन अगर ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वोल्टेज दे रखी हैं तो इसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो तो क्वेश्चन में ये भी घुमा सकता है कि आपको वो वोल्टेज बता दी जाए जिससे आपका इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वैल्यूज़ को पता लग जाए तो उस तरीके से रिफ्लेक्शन कोफिशियंट निकाल लेना और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट आने के बाद फिर आप हो सकता है जेड एल दे दिया जाए जेड नोट पूछ लिया जाए राइट और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट्स के बेसिस पे फिर आप वी एस डब्ल्यू आर भी देख सकते हो तो इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक नई नोमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें ताकि हम सभी स्टूडेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकें और इस चैनल को बड़ा बना सकें